वहीं दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी के सरकारी आवास पर हुए हमले पर कांग्रेस पार्टी भड़क गई। आरोपों के मुताबिक एक दिन पहले जब अधीर रंजन चौधरी संसद में थे तो उसी दौरान तीन हमलावर जबरन उनके मकान में घुस गए और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों से मारपीट की थी। कांग्रेस ने इस हमले को संसद में अधीर रंजन चौधरी की ओर से सरकार को निशाना बनाने का नतीजा बता दिया। विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है। ये केवल अधीर रंजन चौधरी जी के ऊपर हमला नहीं है, पूरे प्रजातंत्र के ऊपर हमला है। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी कांग्रेस नेता के मकान पर हुए हमले को गलत ठहराया। किसी संसद सदस्य के आवास पर इस तरह के मिस्क्रिएंट्स आकर के और उत्पात की कार्रवाई करें, ये बड़ी अफसोसजनक है। वहीं एनसीपी ने हमले के आरोपियों पर अब तक कार्रवाई न होने पर सवाल उठाए। कांग्रेस की नेता के कार्यालय पे हमला हो और कोई गिरफ्तारी न हो, किसका इसके पीछे हाथ है ये लोग समझ रहे हैं।